आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के बेस्ट कॉलेजेस के बारे में। इनके आज की जो हमारी वीडियोस के अंदर हम ये देखेंगे टॉप 10 कॉलेजेस ऐसे कौन कौन से हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक में जो बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं आपके। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि टॉप का मतलब क्या है। देखो मैंने इसको कैटेगराइज कर रखा है आपका और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले इकट्ठी करी है, फिर मैंने इन कॉलेजेस की लिस्ट निकाली आपकी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दो बेसिस पे मैंने क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहला तो यह कि रैंकिंग कैसी कॉलेज की और दूसरा यह कि प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इन दोनों के बेसिस पे ही किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो ये जो वीडियो है मेरी, इन सब में जितने भी कॉलेजेस हैं इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल पक्का करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये एक सुझाव देना चाहूंगा, अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपकी रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए। रैंक का मतलब क्या है? रैंक का मतलब है कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एक रैंक निकल के आती है, वो रैंक आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो मैं इन सारी चीजों को पहले ही क्लियर कर चुका हूं, अगर आपने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में विजिट करके वहां से आप सारी चीजें देख सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारे टॉप 10 कॉलेजेस। चलिए हम देख लेते हैं टॉप 10 कॉलेजेस को। तो सबसे पहला जो हमारा कॉलेजेस है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग और आपको मैं बता रहा हूँ प्लेसमेंट के बेसिस पे, सबसे पहला जो कॉलेज है उसका नाम है आपका पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपका फर्स्ट रैंकिंग है इसकी और इसमें प्लेसमेंट जो है ये गुड नहीं वेरी गुड है, यानी कि बहुत बढ़िया एक्सीलेंट आप बोल सकते हो, इसकी जो प्लेसमेंट है वो एक्सीलेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड रैंकिंग मैंने किसको दी है, सेकंड रैंकिंग है आपका दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग। देखो वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर कर दूं। यहाँ पे मैं जो सेकंड नाम दे रखा है जिस कॉलेज का, उसमें फीस जो है ना, फी जो है थोड़ी सी हाई है, लेकिन इसकी रैंकिंग मैंने सेकंड दे रखी है क्योंकि इसमें भी प्लेसमेंट आपके एक्सीलेंट ही है, यानी कि प्लेसमेंट इसमें बहुत सही होती है। उसके बाद थर्ड देखिए, तीसरा आपका क्या है, तीसरा जीवी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखो जीवी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो कॉलेज है इसका मैंने रैंकिंग, आप इसको दो या तीन बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको रैंकिंग तीन दी है और इसमें आपका बोल सकते हो कि जो आपका ये है यानी कि प्लेसमेंट है वो वेरी गुड के करीब करीब है, राइट। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका गुरु नानक देव। गुरु नानक देव में आपको बताना चाहता हूँ, गुरु नानक देव है आपका फोर्थ, मैंने इसको रैंकिंग दी है और इसमें भी प्लेसमेंट सही है, राइट। उसके बाद हमारा देखिए और सीएस वगैरह वालों के लिए तो बेस्ट है भाई, है ना, ये चीज तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारा अगला कौन सा है, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी आपका कौन से नंबर पे आ गया, आपका सिक्स नंबर पे। उसका सेवंथ में मैंने रखा है इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर आपका उसके बाद है राजकोरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जितने भी कॉलेज मैंने आपको बताए एट्थ तक, यानी कि आठवें नंबर तक मैंने आपको जितने भी कॉलेज बताए, ये दोनों के लिए, इसमें गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं और बॉयज भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद में दो कॉलेज आपको ऐसे बता रहा हूँ जिसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए, यानी कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए। और अगर कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहे हो अगर आप, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इन दोनों में एडमिशन ले सकते हो, ये दोनों कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज है। सबसे पहला जो आपका कॉलेज आता है गर्ल्स कॉलेज में, देखिए नाइन्थ नंबर पे मैंने बोल रखा है कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके बाद टेंथ पर आपका मीराबाई, यानी कि दोनों ही कॉलेज आप बोल सकते हो लगभग सेम है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कैटेगराइज कर रखा है। अब यहाँ पे एक चीज सुन लो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे भैया आर्यभट्ट में सिविल की प्लेसमेंट ज्यादा, यहाँ पे मैकेनिकल की प्लेसमेंट ज्यादा। देखो मैंने ओवरऑल बताया है ना, ओवरऑल का मतलब समझते हो ना, ओवरऑल का मतलब जितने भी ब्रांचेस है सब में कितनी कितनी प्लेसमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग बताया। तो कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि भैया सिविल की प्लेसमेंट आर्यभट्ट में अच्छी है या फिर गुरु नानक में अच्छी है, इस तरीके से आप सब नहीं बताओगे। मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको ये सारी चीजें जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ओवरऑल निकाल के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें रैंकिंग के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करके और आपको जो भी था मैंने बता दिया है। और यहाँ पे एक चीज में और क्लियर कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि जो ये आपका दिल्ली है ना, यानी कि मैं इसको डाइट बोलता हूँ, दिल्ली टूर वाला जो है आपका, इसको हम डाइट बोलते हैं, इसकी जो फी है इसकी फी लगभग 25 या फिर 20 के आसपास है, मुझे याद नहीं है अभी इतने, लेकिन इतने के आसपास है। बाकी जितने भी आपके कॉलेजेस हैं उसमें 8 के यानी कि 8000 के आसपास फीस होती है फर्स्ट ईयर की, बाकी सब में कम हो जाती है, ठीक है, 6000 हो जाती है। तो ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी, तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जितनी भी चीजें थी मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ ताकि कोई भी बाद में बच्चा ये ना बोले भैया आपने ये बता दिया ये तो गलत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं। एंड और भी आपके लिए वीडियोस आने वाली है क्योंकि आपके जो सीनियर्स है यानी कि 2020 में बहुत
सारे स्टूडेंट का एडमिशन होता उन सब ने बहुत ज्यादा ये बोले भैया प्लेसमेंट की वीडियो लेके आओ, जेई के ऊपर वीडियो लेके आओ, यानी कि एससी जेई के ऊपर हम किस तरीके से तैयारी करें, कौन कौन सी बुक को प्रेफर करनी चाहिए, ये जल्दी ही ये सारी वीडियोस आने वाली है। तो जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपके सीनियर्स के लिए भी हेल्पफुल होंगी और आप सबके लिए भी हेल्पफुल होगी। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे भैया मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी, कुछ पता नहीं चल रहा किस तरीके से तैयारी करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए जितने भी स्टूडेंट कहते हैं मैं जल्दी उनके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ। एंड आपको मैंने जो किंग्स इंडिया की बुक बताई थी उसकी मैं जल्दी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज आप बताना मेरे को, और आपको कमेंट इस बार पक्का करना है इस वीडियो में, ठीक है, अच्छा रिस्पांस दिखाना है आपको ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी प्लान कर सकूं। और प्लीज आप सब कमेंट में बताया करो कि भैया हमें कौन सी वीडियो आगे चाहिए। एंड स्टूडेंट वीडियो खत्म करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही बता रखी, चाहे आपका 2021 का कट ऑफ हो गया, सेंटिस के बेस पे कट ऑफ हो गया, ये सारी वीडियो आने वाली है और बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूं, जैसे फीस स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजें, उन सभी वीडियो की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उन सारी वीडियोस को देख सकते हो। सो स्टूडेंट इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।